प्रकाश के परावर्तन समझते समझेंगे प्रकाश क्या होता है। पहले समझेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है तो इसको समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी मदद से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके मदद से किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके मदद से किसी वस्तु को देखा जाता है, किसी वस्तु को देखा जाता है, देखा जाता है। ठीक है, प्रकाश सीधी, यह सीधी रेखा में गमन करते, यह सीधी रेखा, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। ठीक है, पूछेगा प्रकाश क्या। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके मदद से किसी वस्तु को देखा जाता है। प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं। क्या पूछेंगे, किरण, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है। तो बोलेंगे प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या बोलेंगे, प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, किरण पुंज कहा जाता है। तो समझेंगे प्रकाश क्या, किरण पुंज क्या है। तब प्रकाश के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज, किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। तो पहला होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज होता है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज होता है। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज, किरण पुंज होता है। ठीक है, पूछेगा किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तब समझते हैं अपसारी किरण पुंज क्या होता है। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर, यह होता है अपसारी किरण पुंज। क्या समझेंगे, अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर पड़कर, एक बिंदु पर पड़कर फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। ठीक है, जैसे क्या होगा, यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा ना, तो क्या होगा, आगे की ओर फैलते हुए चला जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपसारी, क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। दूसरा हो जाएगा समांतर किरण पुंज, क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है, यानी वैसा किरण जो एक दूसरे के समांतर हो, तो क्या बोल सकते हैं, वैसा किरण जो एक दूसरे के समांतर, जो एक दूसरे के समांतर हो, क्या लिखेंगे, समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर यानी किरण पुंज बोलते हैं, किरण पुंज, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे किरण पुंज जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। तो समांतर किरण पुंज जो हो गया, तीन गो किरण हो जाएगा, कितना किरण हो जाएगा, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। एक होता है अभिसारी किरण पुंज, क्या बोलेंगे उसको, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, यानी वैसा किरण पुंज होता है जो एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। तो क्या बोलेंगे, वैसा किरण पुंज
वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, जो एक एक बिंदु पर आकर मिलती है, क्या होती है? आकर मिलती है, ठीक है। तो जैसे हो गया बहुत प्रकाश की किरण जो होगा एक बिंदु पर आकर क्या हो जाता है, मिल जाता है, इसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज के नाम से जानते हैं। अब समझते हैं, पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? यानी वैसा पदार्थ, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो क्या पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? वैसे पता जिसे प्रकाश आर पार हो जाता है, जैसे हो गया शीशा हो गया, पानी हो गया, इसे प्रकाश आर पार हो सकता है। एक होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ तो समझेंगे जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है, यानी वैसा पदार्थ जिसे प्रकाश पार कर नहीं सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं जिसे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी के नाम से जानते हैं। जैसे हो गया, जैसे दीवार हो गया, ईंट हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो गया, इसे प्रकाश आर पार नहीं कर सकता है। उसके बाद होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी किसे कहते हैं? यानी वैसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में प्रवाह दिखता है, अब होता है पारभासी। क्या होता है? पारभासी यानी बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अल्प मात्रा में बाहर निकलता हो, उसे पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे पारभासी में, जैसे कागज हो गया, बादल हो गया, ठीक है, कुहासा हो गया, इसमें क्या हो गया, प्रकाश जो है अल्प मात्रा में बाहर निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास चलेगा